उस मैसेज में वही सब था जो तुम सोच रहे हो। अब क्या करोगे? खून करोगे मेरा? क्योंकि इस घर में सो कॉल्ड इज्जत के नाम पे किसी का खून करना कोई बड़ी बात नहीं है। कितना खून चलाओगे उस एक लड़की के लिए? सोया, तुमसे बात करने का कोई मूड नहीं मुझे इस वक्त। तो ठीक है, मैं बोलती हूँ, तुम चुपचाप सुन। मेरी बात समझ भी नहीं आ रही तुम्हें? ना मुझे कोई बात करनी है, ना तुम्हारी कोई बात सुननी है। प्लीज मेरी जान बख्श दो इस वक्त। वैसे मैं सोच रही थी कि जिस उमेर को मैं जानती थी उसके लिए खानदान की इज्जत बहुत अहमियत रखती थी। आज इतना बड़ा वाकया हो गया और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? मतलब इतना कैजुअल रवैया, फिर मुझे समझ आए। यही कि जब इंसान की जिंदगी में एक नासूर आ चुका हो, छोटी मोटी तकलीफें उसके लिए कोई अहमियत नहीं रखती। देखो मैं, जो कुछ हुआ वो मेरे सामने हुआ, और तुम अब भी वही सोच रहे हो। तुम्हें जायरा पर शक है और तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक हैं। साथ वहां पे इत्तफाकन आ गया था। आज नहीं तो कल साथ और जायरा की हकीकत तुम पर खुली जाएगी। और देखो, बंदी रहे तुम्हारी आंखों पर पट्टी, मुझे भी तुमसे कोई बहस नहीं करनी। क्या मुझे एक सवाल का जवाब दो, क्यों की तुमने जायरा से शादी? कि जायरा तुम्हारे लिए वो राहत है जिसके लिए एक मर्द एक औरत से शादी करता? बोलो मैं, क्या ऐसा है? मुझे तुम्हारी किसी बात का जवाब नहीं देना। तुम नहीं जा सकते क्योंकि मैं तुम्हें भी तुम्हारे साथ बुरा करने नहीं दूंगी। जब से शादी हुई है तुम्हारी, उससे परेशान रहते हो। फोन किया है उस लड़की ने तुम्हारी मोहब्बत, और देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान भी दे सकती हूँ अगर किसी को भी तुम्हें मजीद तकलीफें पहुँचाने।